गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रूसो का जीवन दर्शन जानेंगे, उनका जीवन परिचय समझेंगे। रूसो का जो है ये एक महान क्रांतिकारी और विचारक थे। रूसो को ही रूसो और लेलिन, ये दो बहुत ही महान विचारक हुए हैं रूस के, और रूस में जो है समाजवाद की स्थापना करने में रूसो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो रूसो ने जो है बहुत से विचार दिए हैं समाजवाद से संबंधित, इनके बहुत से विचार हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं शिक्षा से संबंधित और समाजवाद से संबंधित। वर्ष 1750 में रूसो की रचनाओं का जो है प्रकाशन शुरू हो गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, जैसे कि पहली रचना है द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थर्ड है इनकी द न्यू पॉलिसी, चौथी है इनकी ईमेल। ईमेल जो है यह रचना इनकी बहुत ही फेमस हुई है और रूसो इसके लिए बहुत ही विख्यात हो गए थे, बहुत ही फेमस हो गए थे। ईमेल ने रूसो को शिक्षा सुधारक तथा स्वतंत्र विचारक की श्रेणी में ला खड़ा किया था। वह शिक्षा के द्वारा समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते थे और उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में तत्कालीन समाज की अनेक कुरीतियों की ओर संकेत किया है। उनके दर्शन का सार सभ्यता के सब कृत्रिम उपायों को फेंक कर मानव को प्रकृति के निकट जाना चाहिए। रूसो जो हैं प्रकृतिवादी थे और वो प्रकृति को ही श्रेष्ठ मानते थे और बालक की शिक्षा को स्वाभाविक ढंग से यानी कि प्रकृति में ही चलने के चलाना का जो है उनका मानना था। शिक्षा की दृष्टि से रूसो की सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो है ईमेल है। इसी पुस्तक को कारण जो है रूसो की गणना संसार के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों में की जाने लगी थी। ईमेल जो है यह एक काल्पनिक बालक है। रूसो इस बालक की शिक्षा की व्यवस्था विद्यालय वातावरण से दूर प्रकृति की गोद में रखकर करना चाहते हैं, और रूसो ईमेल की शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार पर आयोजित करता है और बालक की विभिन्न शक्तियों का विकास वह प्रकृति पर्यावरण में करना चाहता है। इसी को वह बालक का स्वाभाविक विकास कहता है और यही रूसो का प्रकृतिवाद है। रूसो का नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।